गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 56 तक सॉल्व कर लिया था। आज इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। द एनाइट्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज। एनाइट्रस सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा? एनाइट्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा वॉश। क्या कहते हैं इसको? सोडा वॉश। एनाइट्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं, इसको क्या कहते हैं? सोडा वॉश। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2CO3। ठीक है, ये सोडा वॉश का फॉर्मूला। अगर इसमें लग गया डॉट .10H2O देन इट इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने आपके? 10। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। अ सॉल्यूशन हैव सर्टेन सॉल्ट ब्लैंक द कलर ऑफ लिटमस पेपर। सॉल्ट आपके कलर चेंज करते हैं क्या बेटा? सॉल्ट किसी भी लिटमस पेपर का नहीं। एसिड टर्न करता है लिटमस रेड, कन्वर्ट करता है ब्लू, पर सॉल्ट करते हैं क्या? नहीं। आंसर क्या होगा? डज नॉट चेंज। क्या होगा इसका आंसर? डज नॉट चेंज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस टू। बेसिस क्या करते हैं बेटा? रेड से क्या करते हैं? ब्लू। तो क्या इसका आंसर होगा? ब्लू। बेसिस क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं फ्रॉम रेड टू ब्लू। द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ये क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इसका केमिकल नेम है, कलर कमर्शियल नेम, जिसको हम नॉर्मली भाषा में ज़्यादा जानते हैं। इट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग पाउडर नहीं, क्या? ब्लीचिंग पाउडर। द कलर फिनोक्टिलिन इन वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन में कलर क्या होता है फिनोक्टिलिन का? आपको पता है बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होता है? पिंक। क्योंकि आपका जो वॉशिंग सोडा है वो कैसा है? बेस है। बेस में सॉल्यूशन कैसा होता है इसका? पिंक। इन एसिड में कैसा होता है? कलरलेस। एसिड में कोई कलर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर। एसिड में हम क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस, इसमें अगर अपन ने वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा आपका? डायल्यूशन प्रोसेस है। मतलब क्या बनेगा आपका? डायल्यूट। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डायल्यूशन। कैसी प्रोसेस है ये? डायल्यूशन है। H2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ। H2CO3 क्या बेटा? क्या है आपका? कार्बोनिक एसिड। आंसर ऐसे। क्या है? कार्बोनिक एसिड। और कहाँ यूज होता है ये आपके? सॉफ्ट ड्रिंक में। कहाँ यूज होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल बी। पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है? जब आपका HCl एसिड, कौन सा एसिड? HCl एसिड, इट रिएक्ट विद NaOH। NaCl+H2O क्या बनता है? NaCl+H2O। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो सॉल्ट कैसा बनता है आपका? न्यूट्रल। तो ये कैसा है भैया? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का वैल्यू कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होता है इन एसिडिक मीडियम? कैसा होता है बेटा एसिडिक मीडियम में? रेड। कैसा होता है? रेड। बेस में कैसा होता है? ब्लूइश टू पर्पल कलर। और न्यूट्रल में कैसा होता है? ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। एसिड चेंज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन टू। एसिड कैसे करता है लिटमस सॉल्यूशन का? इट टर्न ब्लू टू रेड। क्या बोलता है? कैसे चेंज करता है? ब्लू टू रेड। तो रेड से कैसे हो जाएगा आपका? ब्लू कलर। तो हमको जिसमें चेंज होता है वो आंसर करना है, ना कि कैसे चेंज होता है। तो किसमें चेंज होता है? ब्लू किसमें कन्वर्ट होता है? रेड में। तो हमारा रेड क्या होता है आपका? CaO। क्या होता है? CaO। क्यूक्लेम इज एडेड टू सॉइल। क्या होता है जब सॉइल की एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है सॉइल में, तब हम क्या करते हैं? क्यूक्लाइम ऐड करते हैं। व्हेन इट बिकम एसिडिक, व्हेन इट बिकम एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। द मेजर सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर। सी वाटर में मैजियम सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है आपका? सॉल्ट प्रेजेंट है NaCl। NaCl इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक। मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक में कलर कैसा होता है बेटा? कोई बताएगा कैसा कलर होता है? रेड। और बेस में कैसा हो जाता है? येलो। बेस में कैसा कलर होता है? येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लैंक इज नोन एज कॉस्टिक। कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं? NaOH। किसको कहते हैं? NaOH। इसको क्या कहते हैं अपन? सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। 71 देखें, ब्लैंक इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा, मतलब आपका Na2CO3 जिसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या वॉशिंग सोडा। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सिंपल क्वेश्चन है। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब आपका NaCl प्लस वाटर है देन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। क्या कहते हैं इसको? ब्राइन, ठीक है। स्पेलिंग क्या है बेटा ब्राइन की? BRINE। क्या है? ब्राइन। द पॉइंट एट विच इंडिकेटर शोज कलर चेंज इज कॉल्ड एंड पॉइंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? एंड पॉइंट। सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, ये क्या करते हैं? कंडक्टिविटी। कौन सा सॉल्यूशन नहीं करते कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? प्योर वाटर। कौन नहीं करता? प्योर वाटर नहीं करता। और कौन नहीं करता? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर भी क्या करता? कंडक्ट नहीं करता। तो ये हो गए थे हमारे लेवल वन के क्वेश्चन जो MP बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। कल की क्लास में मैं लेकर आऊंगा आपको लेवल टू के क्वेश्चन जो आपके CBSE स्टूडेंट के लिए होंगे। देन फिर लेवल थ्री जिसमें हम केस बेस्ड करेंगे जो CBSE एज वेल एज फॉर ICSE स्टूडेंट्स होते हैं। थैंक यू।